तो ये वाली फाइल खोलनी है ये वाली जी, ये इसमें नीचे, ये नहीं ये वाली, ये जो नीचे, हाँ आएगी ना इसको सोचे। अभी बेटा स्क्रीन शेयर मैं ऑन करूंगा ना, फिर आपको नजर आएगी, ठीक है? 1 मिनट वेट कीजिएगा आप, जब तक जो है वो इंग्लिश की कॉपीज निकाल लीजिए सब। कल हमने जहां पर एंड किया था, आज उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, सब करना था वो, कल जितना भी करवाया था वो सारी चीजें जो है ना वो हमें करनी थी। आप कॉपीज निकाल लीजिए और लाइन ड्रॉ कीजिए, डेट डालिए टॉप पे। सर ये वाली नहीं है फाइल, दूसरी फाइल है। अच्छा हाँ उसके नीचे जो थी ना वर्ड की फाइल होगी, ये तो पिक्चर है, उसी में व्हाट्सएप में। नहीं ये खुलेगी ये नीचे ये वाली, हाँ ये फाइल। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन आप सबको शो हो रही है? जी बेटा, इंग्लिश ग्रामर, ये स्क्रीन आप सबको शो हो रही है? ओके दैट्स वेरी ग्रेट इफ यू कैन सी दिस स्क्रीन प्रॉपरली। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक दैट वी लेफ्ट यस्टरडे। सही है, जहां पर कल हमने अपना टॉपिक एंड किया था वहीं से उसके आगे से आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इससे पहले जो है, मैं जो भी हमने कल पढ़ा है मैं उसे थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा और दो तीन चीजें इसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा। आज से बेसिकली आपकी ग्रामर प्रॉपरली स्टार्ट होने जा रही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त प्रेजेंट हैं, आप सब जिस स्टाइल से मैं आपको बताऊंगा आपने बिल्कुल वैसे ही अपना काम स्टार्ट करना है। अंडरस्टैंड? माई लास्ट नेम इज इनकरेक्ट सर, इनकरेक्ट, इट्स नॉट ओके। ठीक है बेटा, मैं कर दूंगा इससे सही। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। यस्टरडे वी लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी स्टार्टेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई फर्स्ट टॉट यू दैट वी लर्न इन इंग्लिश फर्स्ट लेटर्स। ओके, मेरे साथ साथ बोलना भी है, जो वर्ड्स जिस स्टाइल में मैं बोल रहा हूँ लेटर्स। फिर हमने वर्ड सीखा, फिर हमने सेंटेंसेस सीखे, फिर पैराग्राफ, फिर स्पीच। फिर हमने जब स्पीच को तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, तो उसे हमने क्या कहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक सेकेंड रुकेगा, ओके पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमने बात की थी किस चीज की, हमने वर्ब की बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच की बात की थी, जिसमें आप लोगों ने मेजोरिटी मुझे आपने जवाब क्या चीज दिया था कि सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्ब होता है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे। आज हम इंग्लिश में बेसिकली सेंटेंस की बात करेंगे जो कि हम नॉर्मल लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्पीकिंग राइट नाउ इन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, सो वॉट एवर द सेंटेंस आई स्पीक फ्रॉम माई माउथ,
must have a universal format formula. यानी जो भी मैं इंग्लिश में सेंटेंस बोल रहा हूँ ना वो एक फॉर्मूले के तहत बोला जा रहा होगा, उसमें उसका एक स्ट्रक्चर होगा, उसमें कुछ पार्ट्स होंगे. तो पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस होता है ना, जिन चीजों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, जिन चीजों से मिलकर एक सेंटेंस जो है हम लिखते हैं या बोलते हैं, उन तमाम चीजों को मैं आज थॉरोली आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक वर्ब की तरफ आ जाएंगे. अंडरस्टैंड? तो अभी जिन जो दो चीज आपको लिखनी होंगी ना, उसे मैं आपको यहाँ पर उसे मैं थोड़ा सा राइटिंग में भी इसका साइज बड़ा करूंगा और उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा. तो वो चीज आपने लिखनी होंगी, मैं आपको बताऊंगा वो. अंडरस्टैंड? देखिए सबसे पहले यहाँ पर बच्चों, पहले मैं ये देख लेता हूँ ताकि आप यहाँ से, क्योंकि हमने आज स्टार्ट करना है अपने काम को. अच्छा देखिएगा बेटा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस, जो कि कल मैंने आपको बताया भी था. अब सेंटेंस में आप देखेंगे कि मैं क्या चीज पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुननी आपने. सेंटेंस, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. यानी जो सेंटेंस होता है वो अपने अंदर मुकम्मल मीनिंग रखेगा, मुकम्मल सेंस रखेगा. सही है, सेंटेंस आपको हमेशा इंफॉर्मेशन पूरी मुकम्मल देगा, पूरी कंप्लीट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये कहूँ आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, सही है ना, या मैं ये कहूँ कि शी इज नॉट हेयर. अब शी इज नॉट हेयर, शी इज नॉट हेयर, शी इज नॉट हेयर. अब इस जुमले में आपको ये बात पता चल रही है वो यहाँ नहीं है, या मैंने ये बात कही थी आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. तो सेंटेंस पढ़कर आपको क्या चीज पता चल रही है, पूरी मुकम्मल आपको अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो कहलाएगा सेंटेंस, वो पूरा एक मुकम्मल जुमला कहलाएगा. अब सेंटेंस में होती क्या क्या चीज है, देखो यहाँ पर जो मैं ये डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ सेंटेंस की. अच्छा ये आपने जो है ना यहाँ से ये सेंटेंस की डेफिनेशन अपने पास कॉपी में नोट डाउन करनी है, तो आप साथ साथ लिखते भी रहें और सुनते भी रहेगा. सही है, ये जो स्टार्टिंग में दो लाइन लिखी हुई है जिसका साइज थोड़ा छोटा है, ये आप लोगों ने अपने पास कॉपी डाउन करना है. सेंटेंस, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. अब ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है, ये नीचे मैंने मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है. अब एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है. सब्जेक्ट कहते हैं जुमले में काम करने वाले को, सही है ना, जो स्टार्टिंग में आपके पास काम करने वाला शख्स होता है, डूअर होता है, परफॉर्मर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि इस वक्त मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू. अब यहाँ पर पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन हूँगा, सब्जेक्ट हूँगा. सही है, प्रीडिकेट क्या होता है, सेंटेंस में जो दूसरी चीजें होती है ना सब्जेक्ट को हटाकर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं. सही है, यानी के लेफ्ट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हटाकर जो सेंटेंस में दूसरे पार्ट्स होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं. सही है, जैसे यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज वॉट और whom the sentence is about in the sentence. यानी के जो शख्स या वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हम सेंटेंस में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिना वो हमारे लीडर हैं, तो इस जुमले में बात किसके बारे में हो रही है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के बारे में. वी आर टॉकिंग अबाउट कायदे आजम मोहम्मद अली जिना. तो कायदे आजम कौन होंगे, वो सब्जेक्ट कहलाएंगे. सही है, यहाँ पर कायदे आजम ने कोई काम परफॉर्म नहीं किया, यानी उन्होंने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अली क्लास ले रहा है, तो अली यहाँ पर एक काम कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो अली कौन कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा. सही है, तो सेंटेंस में वो शख्स जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, या वो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. अब सेंटेंस में एक्शन के यानी सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरी चीजें होती है ना, वो प्रीडिकेट कहलाती हैं. उसमें वर्ब भी होता है और उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है. सही है, यानी प्रीडिकेट में वर्ब भी होगा, वो काम जो के परफॉर्म किया जा रहा है,
और वो चीज जिसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है वो पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, प्री डिकेड कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल देखी है, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। अब यहाँ पर बिल्ली के बारे में बात की जा रही है जो कि यानी सूरज के नीचे सो रही है, उसकी रोशनी के नीचे सो रही है। अब कैट क्या कहलाएगी, सब्जेक्ट, और इस स्लीपिंग इन द सन ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा प्रीडिकेट कहलाएगा। इसमें सोने की भी बात हो रही है और सन की भी बात हो रही है, दोनों चीजें किस में आएंगी, प्रीडिकेट में आएंगी, सही है। अब यहाँ पर प्रीडिकेट की आप एग्जाम्पल भी देख लें, डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रीडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज। यानी प्रीडिकेट आपको क्या चीज बताएगा कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है। अब ये अभी जो एग्जाम्पल बिल्ली वाली आपको मिली है, कैट की जो एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, इसमें आपको ये चीज बताई गई है कि वो क्या काम कर रही है, सही है। इस वक्त मैं एग्जाम्पल लूंगा मैं और आप जो काम कर रहे हैं ना, हमसे रिलेटेड, सही है, हमसे रिलेटेड। तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, सही है ना, मैं आप लोगों को पढ़ा, जी बेटा कॉपी में करना ही है। जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन की है तो इस वक्त हम सेंटेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपने कॉपी में सिर्फ ये सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है, नीचे दी गई जो एक्सप्लेनेशन है ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, सही है। सिर्फ अब तक आपने ये सेंटेंस की जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी हुई है सिर्फ यही अपने पास नोट डाउन करनी है, अंडरस्टैंड। आगे बेटा बात समझ में आप लोगों को। जी मोहिब आप पूछ रहे थे ये कॉपी में करना है, ओके ठीक है, ओके स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा, सब सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर चैट में ही एक सेंटेंस दूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है, सही है। मैं आप सब अपने चैट ऑप्शन में देखेंगे और जो भी स्टूडेंट मुझे जवाब देगा वो काइंडली अपने क्लास नंबर भी जो है ना वो मेंशन करे, सही है। ओके, मैं एक बार और प्रीडिकेट समझा दूंगा लेकिन पहले आप ये सेंटेंस अपने पास देख लें। ये देखिएगा बेटा, यहां पर आपके पास एक सेंटेंस आ गया, सर आबिद इज टीचिंग क्लास सिक्स। अब बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और प्रीडिकेट क्या है। सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी चीजें सेंटेंस में होती हैं वो प्रीडिकेट होती है, सही है। अगर आपको सब्जेक्ट पता है तो आप प्रीडिकेट बता देंगे, सब्जेक्ट को हटाकर जो बाकी हिस्सा है वो प्रीडिकेट कहलाएगा। पहले तो आप बताइए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। ओके वेरी गुड, क्लास सब्जेक्ट, ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं बेटा, एक बच्चे ने गलत बताया ये। ओके सर आबिद सब्जेक्ट है, ठीक है ठीक है सर, ओके वेरी गुड, क्लास एट के स्टूडेंट्स काफी सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है बच्चों बिल्कुल सही, मेजॉरिटी ने सही जवाब दिया है कि सब्जेक्ट जो है वो सर आबिद होंगे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं काम कर रहा हूं एक्चुअली तो मैं सब्जेक्ट कहलाऊंगा, और सही है बिल्कुल सही। अच्छा जो मुझसे पूछ रहे थे नोट डाउन करने के लिए, तो बेटा सिर्फ ये सेंटेंस की डेफिनेशन ये नोट डाउन करनी थी, सही है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना मैंने ये सिर्फ नोट डाउन करना था, बाकी नीचे एक्सप्लेनेशन ये कॉपी में नहीं लिखनी है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो प्रीडिकेट क्या चीज है, सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटाकर जो दूसरी चीज है ना वो प्रीडिकेट कहलाएंगे, जिसमें हमें पता चल रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को और बिल्कुल क्लियर ये नजर आए। अभी हमने सब्जेक्ट पढ़ा, अब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और वर्ब पढ़ेंगे।
सही है। ये सारी चीजें, अच्छा अभी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आप सबको कॉपी में नोट डाउन करना है, ये आप साथ साथ अपने पास नोट भी कीजिएगा और जो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपने सुनना भी इसे ध्यान से, सही है। ये कॉपी में नोट डाउन भी करना है आप लोगों ने। ये ऑब्जेक्ट है, फिर इसके नीचे वर्ब है, फिर स्टेट वर्ब है और फिर एक्शन वर्ब है। आपने ऑब्जेक्ट से लेकर नीचे एक्शन वर्ब तक ये सब अपने पास नोट डाउन करना है कॉपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जब आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं तो उसमें कौन सा वर्ब आप यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि कल की क्लास में हमने क्या चीज सीखी थी। अच्छा मैं दिखा रहा हूँ सेंटेंस की डेफिनेशन एक बार दिखा रहा हूँ। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, वो क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज की क्लास के बाद आपने ये आप सीखेंगे कि आपने सबसे ज्यादा मेहनत किस चीज पे करनी है, वर्ब को सीखने में करनी है, सही है। अच्छा सेंटेंस की डेफिनेशन जिसने लिखी नहीं है वो जल्दी से यहाँ से कॉपी कर ले, सबसे टॉप पे आपको शो हो रही होगी। We just learnt the sentence and parts of sentence, that is subject and predicate. Now we will be moving towards the object. Okay? अच्छा अब ऑब्जेक्ट देखते हैं बेटा। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। बहुत आसान लफ्जों में ऑब्जेक्ट के हम किसे कहते हैं बेटा, जिस चीज पे काम का असर हो रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस चीज पे काम का असर हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट है। काम का असर जिस चीज पे हो रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अली को एक जोरदार जो है ना थप्पड़ लगा दूं तो मेरे थप्पड़ का असर किस पे होगा, अली पे होगा। तो अली कौन होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा। थप्पड़ मारने वाला मैं हूं तो मैं काम कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हूंगा। मेरा थप्पड़ अली को लगा, अली रोएगा तो अली कौन कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस वक्त मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं, सही ना, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हूंगा और पढ़ कौन रहा है, आप सब पढ़ रहे हैं। तो मेरे पढ़ाने का असर किन पे होगा, आप लोगों पे, तो आप सब क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, सही है। तो काम का असर जिस चीज पे होगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है, वो समझते हैं जो भी चीज सेंटेंस के एंड में आ रही है वो ऑब्जेक्ट है। ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, सही है ना। जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, जिस चीज पे काम का असर हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट कौन होगा, जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट कौन होगा, जिस पे काम का असर हो रहा है, सही है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया बेटा। जी बेटा सबने फेयर में ही करना है, आवाज आ तो रही है सबको, जी क्लियर है सबको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अच्छा अब मैं वापस एक एग्जांपल दूंगा, चैट सेक्शन में देखिए, आप बताएंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, सही है। सब्जेक्ट के लिए आप सिर्फ एस यू बी लिखिएगा शॉर्ट में, और ऑब्जेक्ट के लिए ओ बी जे, सही है ना, शॉर्ट में। तो आप देखें आप सबके पास सेंटेंस शो होगा। सब देखिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा। अच्छा ये अली इज टॉकिंग है, सही है, ये जरा टी लगा नहीं है, टी इज मिसिंग हियर, सो दिस इज बेसिकली अली इज टॉकिंग टू उस्मान। आपने बताने इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट के लिए आप एस यू बी लिखिए, वेरी गुड उस्मान, ऑब्जेक्ट गुड, अली सब्जेक्ट, क्लास गुफरान सब्जेक्ट, गुफरान वेरी गुड, वेरी गुड। टॉकिंग सब नहीं बेटा, टॉकिंग सब्जेक्ट नहीं है, काम कौन कर रहा है, इसमें बात कौन कर रहा है, बात करने वाले को हम सब्जेक्ट कहेंगे,
अली बात कर रहा है तो अली कौन होगा? सब्जेक्ट होगा, सही है। और उस्मान से बात कर रहा है तो उस्मान कौन कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने सही जवाब दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आए हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। अच्छा बताइएगा बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन? जी हाँ, वर्ब वर्ब तो मैंने नहीं पूछा अभी, क्योंकि वर्ब की डेफिनेशन हमने डिस्कस ही नहीं की ना अब तक। ओके, यहां तक क्लियर है ना सबको? जी हाँ बेटा, मोहम्मद बिल्कुल सही, उस्मान ऑब्जेक्ट है। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ बेटा, ये ऑब्जेक्ट से लेके नीचे तक पूरा लिखना है। चलें आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम वर्ब को डिस्कस करेंगे, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है, सही है। देखें बेटा, वर्ब कल की क्लास में, इन यस्टरडेज क्लास आई टॉट यू दैट इन एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर मस्ट बी वन वर्ब एट अ टाइम, सही है। इंग्लिश के हर सेंटेंस में एक वक्त में एक वर्ब का होना क्या होता है? जरूरी होता है। आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग, देयर मस्ट बी वन वर्ब। एक वक्त में एक वर्ब का होना किसी भी सेंटेंस में क्या होता है? जरूरी होता है। अब वर्ब होता क्या है, वर्ब कहते किसे हैं? सही है, क्योंकि इंग्लिश में देख लिया आप लोगों ने सर, सबसे इंपॉर्टेंट है ही वर्ब, तो उसे अगर आप समझ लेंगे तो आप नॉर्मल इंग्लिश बोल सकते हैं बहुत इजीली। वर्ब किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्ब कहते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट, सही है। वर्ब जाहिर करता है, दिखाता है किस चीज को? एक्शन को और स्टेट को। अब आप कॉपी में जब ये डेफिनेशन लिखेंगे तो एक्शन के ऊपर अंडरलाइन करके पेंसिल से आप लिखेंगे, एक्शन के ऊपर काम, सही है। एक्शन के ऊपर आप क्या लिखेंगे? काम। और स्टेट के ऊपर अंडरलाइन करके पेंसिल से आपने लिखना है हालत, सही है। एक्शन के ऊपर आप लिखेंगे काम और स्टेट के ऊपर आप लिखेंगे हालत, ठीक है। आगे बात समझ में बच्चों? वर्ब की डेफिनेशन में एक्शन के ऊपर आप पेंसिल से लिखेंगे अंडरलाइन करके काम, और स्टेट के ऊपर आप लिखेंगे हालत। पेंसिल से लिखना है ये कॉपी में, पेन से मत लिखना, बस अंडरलाइन करके ऊपर आप लिख लीजिए, ठीक है। तो वर्ब काम को जाहिर करता है और हालत को जाहिर करता है, सही है ना। वर्ब किसे जाहिर करता है बेटा? काम को और हालत को। काम, हम दुनिया में जितने भी काम है, खाना पीना सोना उठना खेलना पढ़ना कूदना नाचना, सारे काम दुनिया में, इसको हम एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन। तो ये सब वर्ब्स कहलाएंगे, सही है। गो, जाना, ईट, खाना, स्लीप, सुनना, लिसन, सॉरी, स्लीप, सोना, लिसन, सुनना, सही है। यूज, इस्तेमाल करना, टीच, पढ़ाना, रीड, पढ़ना, ये सारे वर्ब्स कहलाएंगे। तो वर्ब जुमले में किसी काम को क्या कर रहा होता है? शो कर रहा होता है। दूसरी चीज इसमें बताई गई है हालत। हालत किसे कहते हैं? अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप सब मुझे चैट पर जवाब देंगे। ये चीज आपने समझना आप लोगों के लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गई स्क्रीन। देखिए इंग्लिश में ना बच्चों, बहुत आपने ध्यान से सुनना है, इंग्लिश में हम जितने भी सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं ना, वो तीन डिफरेंट नेचर के सेंटेंसेस होते हैं, कोई चौथी नेचर नहीं है। मतलब जो भी आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे वो तीन कैटेगरीज में आएंगी, सही है ना। कितनी कैटेगरीज में आएंगी आपने मेरे साथ साथ रिकॉल भी करना है, साथ साथ बोलना भी है। इन इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट एवर द सेंटेंस इज स्पोकन बाय अस मस्ट बी इन थ्री डिफरेंट नेचर, सही है ना। वो तीन डिफरेंट नेचर में होता है। पहली नेचर को हम कहते हैं बच्चों एक्शन। पहली नेचर को हम क्या कहते हैं? एक्शन। यानी इंग्लिश में आप जो भी जुमला बोलोगे वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो वो एक्शन का सेंटेंस होगा, उसमें हम किसी काम की बात करेंगे, सही है। जैसे कि मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना एक काम है। आप सब इस वक्त कॉपी में काम लिख रहे हैं, लिखना एक काम है। आप सब इस वक्त जो है
वो पढ़ रहे हैं, पढ़ना एक काम है। आप सब इस वक्त मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सुनना एक काम है। जी बेटा, लुबना कॉपी में लिखना है, ये सही है ना, कॉपी में लिखना है। इस वक्त मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, ये सब काम है। तो इंग्लिश में मैं जो भी सेंटेंस बोलूंगा तो उसकी पहली नेचर क्या होगी कि उस जुमले में हम किसी काम की बात कर रहे होंगे, किसी काम की बात कर रहे होंगे। तो पहली नेचर इंग्लिश में कौन सी होती है, जिसमें हम एक्शन की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं, एक्शन। अब इंग्लिश में जो दूसरी सेकंड सेकंड नेचर जो है ना, उसमें हम बात करते हैं हालत की। वो कौन सी हालत होती है वो आपने देखना है। स्टेट, बेटा ये सर स्टेट व्हाट वाज ऑफ उर्दू इन स्टेट, उर्दू में स्टेट की हालत कहते हैं बेटा, हालत। जी बेटा, स्टेट वर्ब भी उतारना है, स्ट्रेट वर्ब भी उतारना है, सही है। अब देखिए सेकंड जो नेचर है ना इंग्लिश में सेंटेंसेस की, उसमें हम बात करते हैं हालत की। जैसे मिसाल के तौर पे आप सब मुझे जवाब देंगे चैट पे, मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि इसमें मैं काम की बात कर रहा हूँ या हालत की बात कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से आपने पहले मेरी एग्जाम्पल को सुनना है और आपने यहाँ पर चैट पे जवाब देना है, ये एक्शन है या स्टेट है। अब सेंटेंस क्या है कि अली आज बीमार है, अली आज बीमार है। बताइए इस सेंटेंस में काम है या हालत है, एक्शन है या स्टेट है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अली आज बीमार है, बीमार होना काम है या हालत है। जी, बीमार होना एक्शन या स्टेट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने सही जवाब दिया है, एक्शन। क्लास सिक्स बेटा, सोच के जवाब दीजिएगा, जो एक्शन लिख रहे हैं सोच के दीजिए, अली आज बीमार है, इस सेंटेंस में एक्शन है या स्टेट है, काम है या हालत है। बिल्कुल, इस सेंटेंस में तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, सेंटेंस में हम हालत की बात कर रहे हैं। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा, अब आपने बताना इसमें काम है या हालत है। अली मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, अली मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, अली इज यूजिंग मोबाइल। अब बताइए एक्शन है या स्टेट है, अली इज यूजिंग मोबाइल, अली मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल करना काम है या हालत है। वेरी गुड, तकरीबन सबने आउटस्टैंडिंग, यू ऑल गेव द राइट आंसर। ओके, वेरी इंप्रेसिव, गुड, अली इज यूजिंग मोबाइल, एक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया, ये एक्शन है। तो इस बात से बच्चों हमें क्या बात समझ में आई कि इंग्लिश में या तो सेंटेंस हमारा एक्शन का होगा या सेंटेंस हमारे पास स्टेट का होगा जिसमें हम हालत की बात करेंगे। अब मैं आपको एक और मिसाल दूंगा और अगर आपने इसका भी सही जवाब दिया तो आज का टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया। अब ध्यान से आपने मिसाल सुननी है, एग्जाम्पल सुनिएगा बहुत ध्यान से। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, बताओ काम है या हालत है। मेरे पास मोबाइल है, जी सर, ओके सर, जी मेरे पास मोबाइल है, इस जुमले में काम हुआ हालत हुई। वेरी गुड, सिवाय दो तीन बच्चों के सबने सही जवाब दिया। देखो मोबाइल का होना ये काम तो नहीं है कोई, ये तो हालत है, स्टेट बता रहे हैं ना हम अपनी, ये स्टेट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, स्टेट। इसी तरह देखो, अगर मैं कहूँ मेरे पास बोर्ड मार्कर है, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ, एक जुमला बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे मसले मसाइल हैं, क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म हुआ या हालत बताई जा रही है। अब और इजीली आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, स्ट्रेट है ये। तो यहां से आपको क्या बात समझ में आई कि बेटा हमारे पास टोटल हम जितने भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो तीन डिफरेंट नेचर ऑफ सेंटेंसेस पर बेस कर रही होती है। या तो पहली नेचर में हमने
एक्शन की बात की जिसमें हम किसी काम की बात कर रहे होते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, अली मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, ये एक्शन में कहलाएगा, सही है। दूसरी स्टेट में हमने क्या बात बताई थी, अली बीमार है, सही है, अली खुश है, अली उदास है, मैं टीचर हूँ, मैं आप स्टूडेंट हैं, मैं थका हुआ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, इस तमाम सारे जुमलों में हमने स्टेट की बात की थी, हालत की बात की थी, ये दूसरी नेचर ऑफ सेंटेंस कहलाएगी। थर्ड वाले में हमने बात की थी जिसमें हमने क्या चीज़ कही कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास लैपटॉप है, तो ये थर्ड नेचर है। इसके अलावा इंग्लिश में बेटा कोई चौथी नेचर नहीं होती, सिर्फ हम जितनी भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो इन तीन डिफरेंट नेचर पे बेस कर रही होती है, और कोई चौथी नेचर नहीं है। या तो वो कोई काम होगा, या वो हम हालत की बात करेंगे जिसमें हम ये कहते हैं कि ये शख्स ऐसा है, ये शख्स वैसा है, और तीसरी नेचर क्या है, इसमें हम बात करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मोबाइल है, इसके अलावा और कोई चौथी नेचर नहीं है, सही है। तो एक एक्शन कहलाएगा और जो बाकी दो थे वो क्या कहलाएंगे, स्टेट जिसमें हम किसकी बात करते हैं, हालत की बात करते हैं। जिसके बाद स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, वो ये जिस आईडी से मीटिंग स्टार्ट है उस पर डबल क्लिक करें। थर्ड नेचर बेटा, थर्ड नेचर जिसमें हमने बात की ना, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास गाड़ी है, इस तब सब की एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, सही है, ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ। ओके, वॉइस आ रही है, क्यों नहीं आ रही आवाज, सही है, यहाँ ग्रीन शो नहीं हो रहा, जिसको आवाज नहीं आ रही ना वो लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करे अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही, वो भी ये काम करे जिसे स्क्रीन शो नहीं हो रही वो लेफ्ट करे और वापस ज्वाइन करे। ओके, अच्छा मैं फिर से, वेरी ओके ईमान, आपको अच्छा समझ आया, मैं वापस से बेटा एक बार शॉर्टली रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर जो है वो मीटिंग एंड करेंगे हम, तो आप स्टार्टिंग से सुन लीजिएगा सही तरह। सबसे पहले मैंने सेंटेंस की बात की है, सही है, सेंटेंस हम किसे कहते हैं, एक कंप्लीट जुमला जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रीडिकेट भी होता है, सही है। सेंटेंस हमेशा आपको मुकम्मल सेंस देगा, मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई भी सेंटेंस जिसको सुन के आपको ऐसा लगे कि इसमें सारी बात कंप्लीटली बयान की जा रही है वो जुमला सेंटेंस कहलाता है। अब उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हम काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, सही है। जैसे कि इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा, सब्जेक्ट कहलाऊंगा। जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और सेंटेंस में जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं, सही है। जैसे कि सर आबिद इज टीचिंग अस, तो सर आबिद क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट, और बाकी जो हिस्सा है इस टीचिंग अस वो क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट कहलाएगा। फिर हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था बेटा, ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, जिस चीज पे काम का असर होता है इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, सही है ना। जैसे कि मैं अगर किसी आपकी क्लास में से किसी बच्चे को डांटूं बहुत ज्यादा, तो मैं सब्जेक्ट हूंगा और जिस बच्चे को मैं डांटूंगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, सही है। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं कौन हूंगा, सब्जेक्ट हूंगा, मोबाइल क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सही है ना, क्योंकि मैं इस्तेमाल मोबाइल को करूंगा, तो अगर मैं मोबाइल तोड़ दूं तो असर किस पे होगा, मोबाइल पे, तो ये क्या चीज, मोबाइल क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। फिर हमने वर्ब पढ़ा, वर्ब में आपने दो चीजें सीखी कि वर्ब काम को जाहिर करता है और हालत को जाहिर करता है, सही है। फिर हमने स्टेट वर्ब पढ़ा था, स्टेट वर्ब में आप लोगों ने क्या चीज पढ़ी, हालत पढ़ी, हालत से मुराद क्या है, जैसे कि बीमार, खुश, उदास, थका हुआ, अमीर, गरीब, इस सब हालत कहते हैं। या फिर बेटा हालत में हम क्या चीज बताते हैं, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास कॉपी है, मेरे पास पेन, ये सारी हालत है। और एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, हम जिसमें हम काम की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि खाना पीना सोना उठना खेलना हंसना कूदना, तो ये सारी चीजें जो है ना आज की क्लास में हमने पढ़ी है। अब बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम है आपको, सबको क्लियर है जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड जो असल एक्सरसाइजेस वगैरह है ना बेटा वो आपको मिलेंगी, और आज की क्लास में जो भी आपने पढ़ा है इस सबको आप रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले इसका एक क्विज लूंगा, सही है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आज सिर्फ आपने डेफिनेशन सीखी है
और डेफिनेशंस लिखी होंगी अपने पास कॉपी में, और मैंने इसको एक्सप्लेन किया, बस सब्जेक्ट पढ़ा आपने, वर्ब पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, बस। सर आप बोल ले जो आप। अच्छा सर, उजैर बेटा आप लोगों से बात करेंगे तो सर की बात सुनिएगा आप सब। अच्छा बेटा देखें, थ्री मिनट्स रह गए हैं, तो सर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात को बड़ी गौर से सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है, उन्होंने ये करी है कि भाई 8 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे और 9 अगस्त से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। अगरचे अगर स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तब तो कोई इशू नहीं है, आप लोग फिजिकली आकर यहाँ पढ़ लोगे, लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी बात सुन रहे हैं वो ये भी सुनिएगा कि इन केस अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाती है, मजीद लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है कोविड के सिलसिले में, तो आप तमाम बच्चों की मंडे से बाकी सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी और उसका टाइम टेबल फ्राइडे या सैटरडे तक आप तक आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मेरी बात आप सब तक पहुंच चुकी है कि भाई जो आपकी क्लास है, क्लासेस अभी जो चल रही हैं वो इंग्लिश की चल रही है और 8-9 की मैथ्स की भी चल रही है, लेकिन इन केस अगर लॉकडाउन इंक्रीज हो जाता है तब मंडे से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का बाकी सब्जेक्ट्स का स्केड्यूल भी आपके पास मौजूद होगा। ठीक है बेटा, और अदरवाइज फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाती है 9 अगस्त से, वैसी ओपन हो जाता है, तो फिर मंडे से आप लोग स्कूल आके ही पढ़ेंगे। क्या मेरी बात तमाम बच्चों को समझ में आ गई? जल्दी से चैट पे बताइएगा, शाबाश। अच्छा, इस दरमियान काउंटर ऑफिस ओपन है, वो तमाम स्टूडेंट कुछ पूछ रहे थे कि फीस किस तरह जमा करानी है, तो बेटा काउंटर ऑफिस ओपन है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, आप इस दरमियान अपनी फीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको सर की बात समझ आ चुकी होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी से टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए जब तक मीटिंग एंड हो जाएगी, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज आज के टॉपिक में आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिए। जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा देता हूँ, ये आप अपने घर वालों से इस स्टाइल में आप पूछिएगा। हम जब किसी से ये पूछते हैं कि जी बेटा फेयर करना था, जो फेयर वाली बात बोल रहे हैं ये फेयर करना था, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला हिस्सा अगर आपने नहीं किया ना तो ये जो स्क्रीन पे शो रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम इंग्लिश में किसी से सामने वाले से उसका हाल चाल पूछते हैं तो नॉर्मली आप कहते हैं हाउ आर यू, सही है ना, हाउ आर यू, तो ये बहुत कॉमन है, सबको पता होता है हाउ आर यू, और इसके जवाब में आप क्या जवाब देते हैं नॉर्मली, आई एम फाइन या आई एम गुड, ये भी बहुत कॉमन है, सबको पता होता है। तो अब से आप उनसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि अगर आप किसी से पूछना चाहें उसका हाल चाल तो आप पूछिए हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, स्टाइल से पूछिए आप हाउ आर यू डूइंग। और इसके जवाब में कोई आपसे पूछे तो आप जवाब में आई एम फाइन मत कीजिए, मत कहिए, बल्कि इसके इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम फाइन आप ये कहिए आई एम शिपशैप, ये याद रखिएगा वर्ड शिपशैप, शिपशैप यानी ये बहुत अच्छा फ्रेज है एक।